हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सारा और आज मैं खेल करने वाली हूँ ओनली टू सीरीज के एपिसोड 11 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। फ्रेंड्स, आप लोगों में से जितने लोगों ने मेरे लिए प्रे किया था उनको थैंक यू सो मच। मैं पहले से काफी ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। हालांकि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, बट मैं फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि टे के पूछने पर मो उसे बताता है कि फाइनली उसे कैन का पता चल गया है और वो उससे मिलने जा रहा है। वो बेड पर बनी हुई ड्राइंग उसे दिखाते हुए बोलता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि ये ड्राइंग कैन ने बनाई है। अभी मैं जिस फैन से मिलकर आ रहा हूँ उसने मुझे बताया कि उसने कैन को इस ड्राइंग को बनाने के लिए यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में हायर किया था। और मजे की बात ये है कि आज भी यूनिवर्सिटी फेस्टिवल ऑन है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इस पर जैन उससे बोलता है कि क्या तुम सच में कैंग से मिलने जा रहे हो। तो मो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि उसका और कैंग का रिश्ता 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो वो उससे बात भी नहीं करता, वो उससे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, इसलिए वो उसे मिलने जाना चाहता है। लेकिन अगर फिर भी उसको इसकी बात पर यकीन नहीं है तो वो उसका फोन चेक कर सकता है। इस पर जैन उससे बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम अपनी लिमिट जानते हो ना, बस उसका ध्यान रखना। तो मो उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मेरी वजह से हमारी टीम को किसी भी कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दूंगा। इतना बोलने के बाद वो अपना ड्रेस चेंज करने जाने लगता है। पायोस उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था लेकिन यहाँ पर मेरी जैन के साथ सिंगिंग प्रैक्टिस है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तो टे उससे बोलता है कि इट्स ओके, तुम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं तो जा सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाम को ये अपनी डांस और सिंगिंग की प्रैक्टिस खत्म करने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं। यहाँ पर वो टे से बोलता है कि तुम पायो से अपने दिल की बात कब बताओगे। तो टे उससे बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ और तुम तो जानते हो कि उस इंसिडेंट के बाद जब उसे पता चल गया था कि मैंने तुम्हारे और कैंग की डेटिंग वाली बात उससे छुपाई है तो वो मुझसे बहुत नाराज हुआ था। फिर हम लोगों के बीच जब बातें हुई तो मुझे लगा कि शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस दिन उसने मुझसे कहा कि वो दोस्त बनकर मेरे साथ रहना चाहता है। और जैसा कि तुम देख सकते हो अब तो वो मुझसे ज्यादा जैन के क्लोज हो गया है, इसलिए अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे अपने दिल की बात क्या ही बताऊँ। तो वो उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो जैन के लिए कुछ फील करता है। तो टे बोलता है कि लेकिन जैन पायोस को पसंद करता है। वो उसे समझाता है कि जैन और पायोस के बीच वैसा कुछ नहीं है, जैन हमारा सीनियर है इसलिए वो हम सबका ख्याल रखता है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और सीनियर होने के नाते उसे रूल्स अच्छे से पता है, वो रूल्स कभी ब्रेक नहीं करेगा, वो पायोस के लिए वैसा कुछ नहीं फील करता। इस पर टे उससे बोलता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो उससे बोलते है कि टे ये तुम क्या बोले जा रहे हो। तो टे उससे बोलता है कि खैर छोड़ो यार वो सब छोड़ो, तुम्हारे और कैंग के बारे में बात करते हैं। वैसे मुझे तो लगा था कि तुमने बोला था कि तुम उसके बारे में फिर दोबारा कभी नहीं सोचोगे। तो वो उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं हमेशा से उसके बारे में सोचता था, बस मैंने तुमको बताया नहीं। ये सुनकर टे को काफी अजीब लगता है। तो वो उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मैं बस तुमको उदास नहीं करना चाहता था इसलिए मैंने तुमसे ये बात नहीं बताई। आज से 1 साल पहले कैन ने मुझसे मेट्रो में ही ब्रेकअप कर लिया था, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसके बाद मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, उसे कॉन्टेक्ट किया पर उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, मैं उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। फिर मैं उसे ढूंढते हुए अपने पुराने स्कूल पर गया था पर मुझे वो वहाँ भी नहीं मिला। फिर मैं उसके घर गया था लेकिन वो मुझे घर पर भी नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे वो उस यूनिवर्सिटी में मिल जाए जहाँ पर हम दोनों ने साथ में एडमिशन लेने का प्लान किया था, पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि कैंग ने अपना नाम विदड्रॉ कर लिया है। तब मैं श्योर हो गया कि उसने ये सब मुझे अवॉइड करने के लिए किया है। अब मेरे पास सिर्फ कैंग से जुड़ी हुई प्यारी प्यारी यादें बच गई थी जिसमें मैं कैंग को हमेशा मिस करता था। उसका स्माइल करना, उसे मुझे प्यार से देखना, उसका किस करना, उसका मुझे टच करना, मुझे सब कुछ हर पल याद आता था। हालांकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, पर आखिर में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। ये सब बताते वक्त वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। टे उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। वो उससे बोलते हैं कि इट्स ओके, मैं बहुत जल्दी इससे मिलने वाला हूँ, चलो चलते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम कैंग को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी फेस्टिवल में अपनी ड्राइंग स्टॉल पर बैठकर लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनके लिए ड्राइंग्स वगैरह बना रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि टे और मो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो कि कैंग को ढूंढने लगते हैं।
कुछ देर बाद मोको कैंग दिख जाता है। वो ट्री को दिखाने लगता है कि वो देखो वो रहा कैंग। वो जैसे ही कैंग के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां पर उनके फैंस उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी कैंग की नजर भी उन दोनों पर पड़ जाती है। इधर मो और टे अपने फैंस के साथ जब तक फोटो खिंचवा रहे होते हैं, कैंग अपने स्टॉल से उठकर कहीं चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि मो उसे देख ले, इसलिए वो कहीं पर जाकर छुप जाता है। टे और मो जब तक फ्री होते हैं तो देखते हैं कि कैंग अपने स्टॉल से कहीं उठकर चला गया है। मो सोचने लगता है कि कैंग आखिर कहाँ गया होगा। टे बोलता है कि वो यहीं गई होगा, चलो ढूंढते हैं। तभी मो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि वही यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक बैंड भी है जो कि स्टेज पर कुछ परफॉर्म करी होती है। मो टे से बोलता है कि भले ही मैं कैंग से आज ना मिल पाऊँ, पर कैंग को मैं ये बताकर रहूंगा कि मैं उससे यहाँ पर मिलने आया हूँ, वो मुझे जरूर देखेगा। फिर वह स्टेज पर जाता है और जाकर अनाउंस करता है कि वो किसी के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता है, ऐसे पर्सन के लिए जिससे वो 1 साल से नहीं मिला। फिर वह स्टेज पर उस सॉन्ग को परफॉर्म करता है जो कि उसने कैंग के लिए स्पेशली तैयार किया था। उस गाने के जरिए वो कैंग को ये बताता है कि उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी एकदम खाली खाली सी हो गई है। वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता है और आज भी इसी उम्मीद में जी रहा है कि काश एक दिन कैंग उसके पास वापस से आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंग भीड़ के एकदम पीछे छुप कर मो के इस गाने को सुन रहा होता है। तभी अचानक मो की नजर भीड़ के एकदम पीछे जाती है और वो कैंग को देख लेता है। वो कैंग को देखकर खुश हो जाता है। यहाँ पर मो जो सॉन्ग गा रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। इसे सुनकर कैंग रोने लगता है। मो जल्दी से अपना सॉन्ग खत्म करके कैंग के पास आने लगता है। ये देखकर कैंग जल्दी से वहां से भागने लगता है और वो भागते हुए शोन की गाड़ी के पास आता है। दरअसल शोन भी वहां पर आया होता है। वो शोन को जल्दी से कार स्टार्ट करने को बोलता है। फिर वो शोन की कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। जब तक मो वहां पर आता है, कैंग वहां से जा चुका होता है। पीछे से टे भी दौड़ते हुए मो के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना भाग क्यों रहे हो। तो मो उसे बताता है कि मैंने अभी कैंग को देखा, लेकिन मेरे आने से पहले ही कैंग वहां से चला गया, मैंने उससे बात करने का चांस मिस कर दिया। इस पर टे उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि वो कहाँ पढ़ता है। तुम दोबारा उससे आकर मिल लेना, अभी चलो यहाँ से। इधर शोन और कैंग एक जगह पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। शोन उससे पूछता है कि यूनिवर्सिटी में ये सब क्या चल रहा है। तो कैंग उसे बताता है कि यूनिवर्सिटी में अभी फेस्टिवल चल रहा है जिसमें सभी फैकल्टी ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और वो चीजें बेच रहे हैं। शोन उससे पूछता है कि लेकिन थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, तुम काफी परेशान लग रहे थे। कैंग उसे बताता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में मो को देखा, पर हमने एक दूसरे से बात नहीं की। टाइम रहते ही मैं छुपकर वहां से निकल गया। इस पर शोन उससे बोलता है कि ये तो तुमने अच्छे के लिए किया ना, वैसे भी तुम उसे 1 साल से अवॉइड करना मैनेज कर रहे हो। ये सुनकर कैंग थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से मो को अवॉइड कर रहा था। कैंग को उदास देखकर शोन उसका मूड लाइट करने के लिए बोलने लगता है कि अच्छा छोड़ो वो सब, चलो हम खाना खाते हैं, और वो उसे प्लेट में खाना सर्व करने लगता है। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। कैंग अपने घर से वापस यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आ रहा होता है और वो फोन पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है कि मेरे आने के बाद आप शॉप ओपन मत करना क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहती है। इसी दौरान वो मॉल में देखता है कि बड़ी सी स्क्रीन पर मो का वीडियो सॉन्ग चल रहा होता है जिसमें वो अपना सॉन्ग परफॉर्म कर रहा होता है और डांस कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है कि फाइनली मो तुमने कर दिखाया। वो उसके लिए बहुत खुश होता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है, वो सामने से कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर आ रही कुछ लड़कियों से टकराने वाला होता है कि तभी शोन वहां पर आ जाता है और वो कैंग का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो इस तरह से 6 महीने पहले कैंग और शोन की मुलाकात हुई होती है। फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। शोन कैंग से पूछता है कि तुम कैसे हो और क्या चल रहा है, अभी तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो कैंग उसे सब कुछ बता देते हैं। फिर शोन उससे पूछता है कि तुम मो से आखिरी बार कब मिले थे। तो कैंग उसे बताता है कि वो तो काफी टाइम हो गया, मैंने मो को नहीं देखा। तो शोन उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों की जरा भी बात नहीं होती। तो कैंग उसे बताता है कि जब से वो मो से अलग हुआ है तब से उसने मो से बात नहीं की है और वो अभी अपनी लाइफ में बिजी है। जैसा कि उसने ड्रीम किया था वो अब आइडल बन चुका है, तो मुझे भी अपनी लाइफ पर फोकस करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। सोनू से पूछते हैं कि क्या तुम इसके बाद कहीं जा रहे हो। कैंग उस वक्त फ्री होता है तो सोनू से अपने साथ खाने पर चलने के लिए कहता है। फिर इसके बाद हमें 4 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। सोन कैंग से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आया होता है। वो कैंग को कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है तो कैंग उसके पास आ जाता है। यहाँ पर शोन उसके लिए वो सारे प्लेट्स लेकर आया होता है जो उन्होंने कभी साथ में मिलकर बनाए होते हैं। वो उसे प्लेट देते हुए कहता है कि जब तुम मो के साथ रिलेशनशिप में थे तब मैं तुम्हें ये नहीं दे पाया था, लेकिन अब जब तुम दोनों साथ नहीं हो तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। वो कैंग को प्लेट्स दे देता है, कैंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है।
शोन कैन से बोलता है कि बाय द वे हम दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर ऐसे खाना खा रहे हैं तो लोगों को हमें देखकर ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर कैन उससे बोलता है कि लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हमारा दिल जानता है कि हम एक दूसरे के क्या है, हमारे बीच वैसा कुछ है ही नहीं। ये सुनकर सोन का दिल टूट जाता है। वो कैन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि लोग जैसा सोच रहे हो वैसा सच में हो। तो कैन उससे बोलता है कि नहीं, दोबारा नहीं, वो फिर से किसी और से प्यार नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी मोह से ही प्यार करता था। शोन उससे बोलता है कि अगर कभी तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे चांस दे सकते हो। इस पर कैन उसे कुछ नहीं बोलता। तो सोन उससे बोलता है कि अच्छा ठीक है बाबा, मैं अब काम के बारे में बात करता हूँ, मैंने जो तुम्हें भेजा था वो तुमने देखा। दरअसल सोन कैन से अपने शो के लिए एक नया लोगो बनवाना चाहता था, इसलिए कैन उसके साथ मिलकर उस लोगो पर काम कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम पायोस को देखते हैं जो कि देर रात अपनी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद घर वापस आता है। वो देखता है कि फ्रिज पर एक नोट चिपका हुआ है जिसमें तेने उसके लिए ये लिखा होता है कि उसने उसके लिए कॉन्गी बनाकर फ्रिज में रखा है। पायोस जैसे ही अपना सामान रखकर अपने बेड पर जाने वाला होता है तभी उसे टे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि टे कोई बुरा सपना देख रहा है और इस कारण वो लगातार रोए जा रहा होता है। वो उसके पास आकर बोलता है कि टे क्या हुआ, क्या तुम कोई बुरा सपना देख रहे हो। वो उसे संभालने लगता है कि टे कुछ नहीं हुआ, ये बस एक बुरा सपना है, कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक टे की नींद खुल जाती है और वो बोलता है कि क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा था। पायोस उससे बोलता है कि हाँ। फिर वो उसे वापस से सो जाने को कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज अभी मत जाओ, प्लीज मेरे पास ही रुक जाओ। टे उसे बताता है कि उसने सपने में देखा कि उसकी पायोस से लड़ाई हो गई है जिस कारण पायोस उसे छोड़कर चला गया है। इसीलिए वो पायोस से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा तुम मेरे साथ रहना प्लीज, जब तक मैं फिर से सोने जाता तुम मेरे पास यहीं पर रुक जाओ। टे रोते हुए बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। तो पायोस को उस पर दया आ जाती है और वो उसके साथ वहीं पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद टे को वापस से नींद आ जाती है और वो सो जाता है। पायोस बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लेते हैं। वो आज भी टे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उसके बारे में चाहकर भी एक फ्रेंड की तरह नहीं सोच पा रहा था। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और टे को किस करने लगता है। टे उसे रेजिस्ट नहीं करता, वो बस वैसे ही सोया रहता है। पायोस उसे कंफर्ट फील कराने के लिए पूरी रात उसके पास ही सोया रहता है। नेक्स्ट सीन में हम कैन को देखते हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में होता है और वो अपने क्लास के लिए जा रहा होता है। तभी एक पर्सन उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। कैन समझ जाता है कि वो मो है। वो बोलता है कि मो तुम? मो उसे बोलता है कि मैंने पूरे साल तुमको ढूंढा और फाइनली आज तुम मुझे मिल ही गए। कैन तुरंत उसे खुद से अलग कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। मो उसे बोलता है कि कैन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सक्सेस का पार्ट बनो। वो उसे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है और यहाँ पर कैन उसे रूडली बात करने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे फिर से परेशान क्यों कर रहे हो, मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, समझे। उसके इतना रूडली बात करने के बाद भी वो उसे बहुत ही प्यार से बोलता है कि कैन क्या तुमने मुझे थोड़ा भी मिस नहीं किया। कैन अब भी उससे रूडली बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि तुमसे कोई कॉन्टेक्ट ना रहे इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और हर जगह से तुम्हें ब्लॉक कर दिया, इससे तो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूँ और तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता। इस पर मोज से बोलता है कि कम ऑन कैन, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कैन उसे बोलता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, जितना जल्दी तुम इस सच को एक्सेप्ट कर लोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद वो ऐसे वहाँ से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बेचारा मो शॉक के मारे वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद कैंग मन ही मन बोलता है कि आई एम सॉरी मो, शायद उसे मो से इतनी रूडली बात करने का बुरा लग रहा था। शाम को जब वो अपने घर आता है तो नेत को ये सारी बात बताता है कि उसने मो से ऐसे ऐसे बातें बोली हैं। वो नेत से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है नेत, मैं कुछ ज्यादा ही हर्टलेस हूँ, मैंने मो से ऐसी बातें बोली? तो नेत उसे बोलती है कि तुम हर्टलेस ही नहीं मीन और इविल पर्सन भी हो। तो कैंग उसे बोलता है कि अरे अरे अपने फ्रेंड के लिए कोई ऐसा बोलता है क्या? तो नेत उसे बोलती है कि तुम ही ना पूछ रहे थे कि तुम हर्टलेस हो या नहीं, तो मैंने अपना सीधा सीधा जवाब दिया। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुम चाहते हो कि वो मूव ऑन कर जाए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें हर्टलेस बनना पड़ता है। अच्छा एक बात पूछूं, चलो मान लिया कि तुम चाहते हो कि वो तुमसे मूव ऑन कर ले, लेकिन क्या तुम उससे मूव ऑन कर पाए हो? तो इसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि कैन भी मो से मूव ऑन नहीं कर पाया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीवी पर मो का एक लाइव शो चल रहा होता है जिसे कैन अपने फोन में देख रहा होता है। इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि वो आज भी मो को नहीं भूल पाया था, उसे मो की कही हुई बात याद आती है, कैन क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? तो वो बोलता है कि
भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें मिस ना करूंगा। इधर लाइव शो में जो होस्ट होती है वो मुझसे उसका वॉलेट मांगती है। दरअसल यहाँ पर वो लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें मो का वॉलेट चेक करना होता है। उसमें मो की एक तस्वीर मिलती है, तो वो बोलती है कि ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है ना। मो बोलते हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो वो बोलती है कि बचपन में तुम्हारा फेस स्ट्रेट था लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। दरअसल मो ने यहाँ पर झूठ बोला होता है। वो तस्वीर कैंग के बचपन की होती है और मो के जो बचपन की तस्वीर होती है वो कैंग के पास होती है जिसे कैंग ने अपने वॉलेट में लगा रखा होता है। उन दोनों ने अपने बचपन की तस्वीर को एक दूसरे से एक्सचेंज किया होता है। कैंग जब ये देखता है कि मो के पास अब भी उसके बचपन की तस्वीर है तो उसे रोना आ जाता है। वो समझ जाता है कि मो आज तक उसे भूल नहीं पाया है और वो उसे आज भी बेइंतहा प्यार करते हैं। इधर लाइव शो खत्म होने के बाद मो अपने घर आ गया होता है। वो फिर से खाना निकालता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मो ने अभी तक स्काइप वालों को संभाल कर रखा होता है जो कैंग ने उसे आखिरी बार बना कर दिया होता है। यानी कि मो ने स्काइप वालों को पिछले एक साल से संभाल कर अपने पास याद के तौर पर रखा होता है। वो स्काइप वालों को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलने लगता है कि कैंग क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। कैंग ने आज जो उसे इतनी हर्टलेसली वो बातें बोली होती है वो उसके दिल में छुप रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो उसे याद करके फूट फूट कर एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मो अपने टीममेट्स के साथ एक नया सॉन्ग शूट कर रहा होता है जिसमें वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि हम है गम्स, यानी कि उनके बैंड का नाम होता है गम्स। यहाँ पर वो अपने अपकमिंग सॉन्ग का एडवर्टाइजमेंट करते हुए प्रोमो वीडियो शूट कर रहे होते हैं। जब उनका वीडियो शूट हो जाता है तो उनकी मैनेजर उन्हें थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए बोलती है। ब्रेक के टाइम के दौरान जब ये सब एक साथ बैठे होते हैं तो जैंग बोलता है कि मैं बाहर कॉफी लेने जा रहा हूँ, अगर किसी को कुछ चाहिए तो बता दो मैं लेते आऊंगा। तभी पायोस उससे बोलता है कि मैं भी साथ चलूँ क्या। तो जैंग बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। वो मो से पूछता है कि मो तुम्हें कुछ चाहिए, तो मो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो टे से पूछता है कि टे तुम्हें कुछ चाहिए, तो टे बोलता है कि नहीं मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों जाओ। वो उन दोनों को एक साथ में भेज देता है ये बोलकर कि तुम दोनों साथ में जाओगे तो कॉन्टेंट क्रिएट होगा, जांग पॉयस मोमेंट बनेगा, क्योंकि फैंस उन दोनों को एज ए कपल शिप करते थे, इसलिए टे उन दोनों को एक साथ भेज देता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर मो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। वो बार बार कैंग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कैंग ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने फोन को घूर कर देखे जा रहा होता है। तभी टे उससे बोलता है कि क्या बात है, क्या तुम अकेले रहना चाहते हो, अगर अकेले रहना चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर वो देखता है कि वो कुछ नहीं बोल रहा तो वो उसके पास ही रुक जाता है। वो उसे अपना फोन दिखाता है। टे देखता है कि कैंग ने उसे ब्लॉक कर दिया, तो वो बोलता है कि ये क्या, उसने तुम्हें हर जगह ब्लॉक कर दिया है। वो बोलता है कि हाँ, और पता है यार मैं तो बस ये जानना चाहता था कि वो आजकल क्या कर रहा है। इस पर टे उससे बोलता है कि अगर तुम्हें कैंग के अकाउंट का पासवर्ड पता होता तो कितना अच्छा होता ना। वो बोलता है कि हाँ यार। फिर उसे याद आता है कि उसे तो कैंग के अकाउंट का पासवर्ड पता है। वो बोलता है कि वेट मुझे पता है। टे बोलता है कि तो फिर लॉग इन करो ना। तो मो कैंग का सोशल मीडिया अकाउंट अपने फोन में लॉगिन करता है। फिर कैंग के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने के दौरान उसे एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि एक वीडियो में शून और कैंग एक साथ है। उन दोनों को साथ में देखकर मो का माथा ठनक जाता है। उसे अपने कजिन सोन की बात याद आने लगती है जब उसने कहा था कि तुम कैंग से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। और इधर कुछ दिन पहले जब वो कैंग से मिलने गया था तो कैंग ने भी उससे कितनी रूडली बात की थी, वो तो सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रहा था। वो वीडियो देखकर उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वो अपना फोन फेंक देता है। इस वीडियो में कैंग और शून को एक साथ देखकर उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके कजिन सोन ने जानबूझकर उसे कैंग से ब्रेकअप करने के लिए कहा ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए और वो कैंग को पटा ले। वो तुरंत अपने कजिन सोन को कॉल करने लगता है लेकिन सोन उसका कॉल नहीं उठाता, तो वो उसे मैसेज कर देता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर टे मो के लिए पानी लेने आया होता है, तो वो देखता है कि पायोस जैंग के कंधे पर सिर रख कर रो रहा है। ये देखकर टे का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे उन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उसकी फीलिंग पायोस के लिए बदल गई थी, अब वो पायोस को चाहने लगा था। वो उखड़े उखड़े मन से पानी का बॉटल लाकर मो के सामने रख देता है। ये देखकर मो को काफी अजीब लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ टे, तो टे उससे बोलता है कि कुछ नहीं मैंने तुम्हें पानी दे दिया है। वो उसे थैंक्स बोलता है। थोड़ी देर बाद जैंग और पायोस भी कॉफी लेकर वहां पर आ जाते हैं। जैंग मो को उसका कॉफी दे देता है। फिर वो जैसे ही टे को कॉफी देने जाता है टे बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए और वो गुस्से से थमथमाते हुए उठकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों अपने अपकमिंग सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें ये सभी डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि मो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। उसके दिमाग में शोन और कैंग वाली वीडियो चल रही होती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद उन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, इसलिए वो डांस पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। डिस्ट्रैक्टेड होने के कारण वो बार बार इधर उधर बैठ जा रहा होता है। वही हाल इधर टे का भी होता है। उसके दिमाग में भी वही दृश्य बार बार आ रहे होते हैं जब पायोस जैंग के कंधे पर सिर रख कर रो रहा होता है।
वो उसके इतने करीब कैसे चला गया? कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, इसलिए वो भी अपने डांस स्टेप को इधर उधर कर रहा होता है। एक पॉइंट के बाद वो अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। वहीं इधर पायोस भी इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है कि डांस करते करते वो एक किक मारता है और वो जाकर मुंह के सीधे सिर पे लगता है और वो वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाता है। टे भी स्टेज पर गिर जाता है और उसके कमर में भी चोट लग जाती है। वो सब जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे जगाने की बहुत कोशिश करते हैं। मैनेजर जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है, वो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वो की आँख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे कैंग की आवाज आती है। वो तुम उठ गए? वो जल्दी से उठकर देखता है कि कैंग उसके सामने बैठा है। वो जल्दी से उसे उठकर गले से लगा लेता है और रोते हुए उससे बोलता है कि कैंग, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे अब छोड़ के कभी मत जाना। कैंग उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, और वो उससे वादा करता है कि फिर वो उसे दोबारा छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।